अल्लाह आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूँ आपकी मेज़बान शाजिया जिशान नाजरीन पाक अमरीका तालुकात में कशीदगी पहुँच चुकी है जिसकी एक झलक मशीर खारजा सरताज अजीज के बयान से मिली कि पाक अमरीका तालुकात मजीद आगे नहीं बढ़ सकते और इस कशीदगी के खात्मे के लिए आज एक आला सतई अमरीकी वक्त खसूस नुमादे डॉक्टर पीटर लिवॉय की क्यादत में पाकिस्तान आया जिसके सामने नुशकई में हुए ड्रोन हमले पर एहतजा के साथ साथ भारत के जो पाकिस्तान में मुदाखलत के सबूत भी पेश किए गए लेकिन सवाल यह है कि अमरीका बहादुर आखिर हमारी बात क्यों सुनेगा जो जो खुद इस वक्त भारत को नवाजने और उसकी खुशनुदी के लिए एटमी तो मवा के हवाले से शानदार रिकॉर्ड रखता है और ऐसे गैर मुंशफाना अमरीकी इकदाम न सिर्फ खिते में एटमी दौड़ का नया आगाज करेंगे बल्कि खत्े में वाजपे ताकत का जो तोन है यह भारत के हक में जाएगा जिससे चीन और पाकिस्तान को सख्त तशवीश लाक है अमरीका ये समझता है कि भारत इसके मफाद में बेहतरीन स्ट्रेटिक पार्टनर है जिसकी झलक हमें नरेंद्र मोदी के हालिया जो दौरे अमेरिका है इसमें जो मिलने वाली पजर है इसके सूरत में नजर आई अमेरिका अगर चीन को काबू में लाने के लिए भारत को नवाजेगा तो इसका जो बराह रास्त असर है के पाकिस्तान पर भी पड़ेगा क्योंकि पाक चीन लड़े जानी और माली कुर्बानियां पाकिस्तानी कौम दे और बदले में इसको ड्रोन हमले भारत के एन एस डी में शमूलियत और सी पैक मनसूबे के खिलाफ साजिशें मिले तो क्या ये पाकिस्तान के साथ हमारे साथ नाइंसाफी नहीं यह हमारी खारिज़ा पॉलिसी की नाकामी पर भी एक सवाल उठता है क्योंकि बाहिर इस वक्त दुनिया में पाकिस्तानी पाकिस्तान जो है इस सफारती महाज पर तन्हा खड़ा होता हुआ नजर आता है और सिवाय चीन के कोई और इसका आखिर हिमायती क्यों नहीं है इस पर भी आज हम बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे विफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ़ की जो उन्होंने श्री मजारि साहिबा के ख़िलाफ़ रिमार्क्स दिए भले ही ख्वाजा आसिफ इन पर माफ़ी मांगे शर्मिंदगी का इजहार करें सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों कि पार्लियामेंट जैसे मोज़ज़ इदारे की खातून रुकन की शख्सियत पर ऐसे नाजेबा कलमात कहे जाएं सियासी अख्तलाफात या बहस मुबास में ऐसी फिक्रबाजी क्या किसी कभी लीडर को जेब देती है एक औरत की इज्जत हमारे जैसे मशरक़ी मुशरे में वैसे ही मुकदम समझी जाती है लेकिन अगर मुल्क की सियासी अशराफिया पार्लियामेंट में औरतों पर ऐसे फिक्र कसेगी तो सोचे अवाम इससे क्या सीखेंगे पूरी दुनिया को क्या मैसेज आएगा पूरी दुनिया के सामने पार्लियामेंट में एक औरत की तजलील करना विफा दिफा के मनसब के शायान शान नहीं है और इनके खिलाफ क्या सख्त तदीबी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए इस पर भी आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में लॉर स्टूडियोज में मेरे साथ ब्रिगेडियर फारूक साहब मौजूद हैं बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब कराची से जफर हिलाली साहब मौजूद हैं और इस्लामबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पार्लियामानी कमेटी फॉर अवेश लगारी साहब अवेस्लारी तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया बिगेडियर साहब आपसे शुरू करती हूँ आज हमें अमेरिका और भारत की जो बढ़ती हुई कुर्बें हैं इस पर तशवीश है यकीन होनी चाहिए लेकिन आप भी जानते हैं जो आलमी मामलात होते हैं ये बरसों और महीनों पहले इनका शेड्यूल तय हो जाता है जिस और जो ममालिक इसमें दिलचस्पी रखते हैं वो उसके लिए लॉबिंग शुरू कर देते हैं जैसा कि भारत ने किया अब नरेंद्र मोदी का पाँच रोज़ा जो मुल्की दौरा है उसको देख लें हमसे पहले उन्होंने दरख्वास्त दी हम इसमें पीछे रह गए हम तो अपना एफ का जो इशू है उसको अपने हक़ में नहीं कर सके

हमने छह हफ्ते पहले इसकी एप्लीकेशन दे दी थी मुझे ये हमने छोटी सी खबर अखबार में, में पड़ी थी उसके बाद कोई नहीं पता लगा कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने हमारी पोलिटिकल लीडरशिप ने किसी लेवल पे पिछले दो महीने में कोई इंपॉर्टेंट कैपिटल जो हैं जो के मेंबर स्टेट्स हैं न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप को क्या उनके साथ लॉबिंग की कोई बातचीत की कोई इस्लामा से निकल के विजिट किया चला चला लेकिन कर क्या है? हुआ जब तीन दिन पहले जब जी एस क्यू का अजलास होता इजलास। है उसके बाद सडनली मुतहरिक हो जाते हैं सरताज साहब भी फातिमी साहब भी फॉरन ऑफिस भी फॉरन ऑफिस तमाम उन डिप्लोमेट्स को बुलाता है उनको ब्रीफिंग करता है कि जी पाकिस्तान का भी राइट बनता है ये सलूक नहीं होना चाहिए अगर अमरीका जो है सिर्फ भारत को लेकर आएगा न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में

जब एफ सक्सी वाले मामला हुए तो मैं हैरान रह गया कि जलील अब्बास जलानी साहब कहते हैं कि जनाब हम इंडियन लॉबी को काउंटर करने में नाकाम हो गए वो जो इट आप कर रहे हैं अपनी नाकामी जी बिल्कुल कि जी वो हमारे पास मटीरियल रिसोर्सेज नहीं है इंडियन लॉबी बहुत स्ट्रांग है अब देखें ना आपको पता है वो मिलिट्री एड और उसके ऊपर जो रेजोल्यूशन आई थी अपना कांग्रेस में वो हमारे खिलाफ जो गई थी वो सब वो हमारी नाकामी है इसमें एम्बेडर साहब का क्या रोल है देखें जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी होती है खासकर अमेरिका में वो हमेशा उसको मुतहरक रखना उनको अपना गाइड करना और उनको एक्सप्लॉयट करना पॉजिटिव इन द सेंस कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में वो आगे जाके लॉबी करें यूएस और कांग्रेस में वो काम भी नहीं हुआ तो इसका मतलब यह कि पूरा फॉरन ऑफिस जो है मेरी नजर में वो कलेप्स कर गया बल्कि मुझे तो यह भी तशवीश है कि जी एच क्यू और पेंटेगन इनके भी हमेशा रिवायती तालुकात रहे हैं मैं हैरान हूं ये डिबेकल हो रहा है। ये जो हमारा जो उनके अपना पेंटेगन के साथ तालुका है वहां पे क्यों मामला जो है वो भी ठीक नहीं हो रहा तो मेरी नजर में आप चेयरमैन है इन मामला को जाहिर आप करीब से देखते हैं इन मामला को हैंडल करते हैं इन मामला में पाकिस्तान आखिर अपनी लॉबिंग स्ट्रॉ करने में नाकाम क्यों है? अब भारत ने हमसे पहले मामला हम हम क्यों रहती है आ, शुक्रिया आपका मुझे इन्वाइट करने का कल हमारी फॉरन रिलेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें एडवाइजर साहब कल आए थे और इन तमाम चीजों के ऊपर तफसील से मुलाकात भी हुई डिस्कशन भी है और बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस ने उनसे सवाल भी किए जिनके जवाब भी हमें वसूल हुए और उसमें भी इसी तशवीश का इज़हार किया गया कि हमारा जो प्रो एकटिव रोल होना चाहिए वो नहीं उसके बजाय हम एक रिएक्टिव मोड के अंदर हैं और इंडिया की तमाम जितनी भी कोशिशें हैं उसको हम लोग हमेशा एक रिएक्शन के तौर के ऊपर उसको डील करते हैं पाकिस्तान के अंदर सौ फीसद ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की जो वाशिंगटन के अंदर एक स्ट्रेटजी है जिसका बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है पाकिस्तानी यू एस बेस्ड एंट्रप्रनोर्स का जो हमारा डायस्पोरा वहाँ है जो वहाँ की जो लॉबिंग फर्म्स हैं कि उनको भी इस्तेमाल किया जाता है हेल्थ के ऊपर और जी सेनेट के अंदर लोगों को असरानंदाज करने के लिए मुल्क हाँ। का पॉइंट ऑफ व्यू पुट अक्रॉस करने के लिए वो हमारा उतना इफेक्टिव कतन नहीं है जितना हिंदुस्तान का रहा है आजकल के हालात के अंदर ये और ये हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी काफ़ी अरसे से रही है लेकिन आजकल हिंदुस्तान को इस अपनी इस जी स्ट्रैटी के बहुत ख़ातिर खा फ्रूट्स और समरात इसलिए भी वसूल हो रहे हैं क्योंकि इस ख़ते के अंदर जो चीन का बढ़ता हुआ एक इन्फ्लुएंस है जो चीन की इस सी पैक की और राहदारी के मनसूबों के ज़रिए इंडियन ओशन तक एक पहुँच दिखाई दे रही है उन तमाम चीज़ों का के लिए भी मुख्तलिफ रीजन्स के जो जो ममालिक हैं वो अपने आप को पोजिशन करें और अमेरिका को अपने कमर्शल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए और जी स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए इस वक्त शायद उनको यही दिखाई दे रहा है कि हिंदुस्तान के साथ अपनी रिलेशनशिप को फर्दर वो एंकर करें लेकिन बदकिस्मती से अमेरिका इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की पोजिशन में शायद अभी इस वक्त नहीं है अल्लाह करे होए उसमें इतनी अकल आए कि इस साउथ एशिया के अंदर हमारी जो एक पावर का इम्बेलेंस है वो क्रिएट करना इस खत्े के ना सिर्फ पीस के लिए बहुत ख़तरनाक है बल्कि अमरीका के अपने इंटरेस्ट के अंदर भी नहीं है तो अमरीका को ये चीज़ शायद कायल करने की और उस तक पहुँचाने की कोशिश आज जो इस्लामाबाद में मुलाकातें हुई हैं और उसके अंदर से जो इमर्ज हुई हैं स्टेटमेंट्स मैं समझता हूँ हुई है और, और अमेरिका की जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है पाकिस्तान के अंदर आम यही समझ रही है कि जब अमेरिका को हमारी जरूरत होती है तब तो हमारे साथ बहुत अच्छा होता है और जब ऐसा ऐसा जरूरत कम होना शुरू होती है तो पाकिस्तान को एक साइड पे करता जिसकी है जिसकी वजह से हमारी जो अमेरिका के, 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 के खिलाफ जंग में इताहादी हम है कुर्बानी हमने عوام हमारी कुर्बानी दें और सपोर्ट जो है अमरीका वो भारत ब्रेक लेनी है ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इंडिया ने अभी तक जो एटमी अदम फैलाओ एन है इस पर दस्तखत नहीं किए पाकिस्तान ने भी इस पर दस्तखत नहीं किए लेकिन अगर आ, इंडिया एन का हिस्सा बन सकता है इस ग्रुप का हिस्सा बन सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं बन सकता एक छोटे से वक्त के बाद के बाद खुश आमदर हिलााल आप बखूबी आपने निभाए भी हैं आप जानते भी हैं बड़ा क्लोजली आप, आपने भी किया है ये बात तो तय है कि सफारती मामला में भारत पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आ गया पीपल्स पार्टी दौर में हमने लॉबिंग फॉर्म देखी है लॉबिंग पीपल्स पार्टी के दौर में हमने स्ट्रॉग भी देखी है लेकिन क्या वजह सिर्फ मुस्लिम लीग नून के दौर में हमने ये लॉबिंग स्ट्रॉग नहीं देखी क्या इसकी वजह यही है कि सिर्फ एक वजी खारजा ना होने की वजह से हमें इतना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है शास्ता मैं तो जैसे आपको पता है दिन रात इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बुरा भला कहता रहता हूँ और मेरे ख़्याल पे ज़्यादा तक ये गवर्नमेंट डिज़र्व करती है क्रिटिसिज्म मगर इस मामले पे मैं डिसएग्री करूँगा और मैं कहूँगा कि यह गवर्नमेंट इतनी क्रिटिसिज्म इस मामले पे डिज़र्व नहीं करती है क्यों इसलिए नहीं कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर नहीं है होना चाहिए बिल्कुल सही बात है मगर आई डोंट थिंक इट मेक्स मच ऑफ अ डिफरेंस और हाँ लॉबिंग फर्म्स मैं भी तीन साल वाशिंगटन में सर्व किया था लॉबिंग फर्म्स का फ़र्क पड़ता है मगर मार्जिनल फ़र्क पड़ता है ज़्यादातर अगर नेशनल इंटरेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो वो लॉबिंग फर्म्स भी किसी मुल्क में किसी कांग्रेस में जाके उनके माइंड ऐसे नहीं बदल सकते मैं आपको बताता हूं क्या बात है सीधी सादी बात यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के डिफरेंसेस अभी इर्रेकंसाइलेबल हो गए हैं शाजिया दे कैन नॉट बी रेकनसाइल्ड हमारे इंटरेस्ट मुख्तलिफ हैं और किन पे इंडिया पे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं अफगानिस्तान पे हंड्रेड परसेंट मुख्तलिफ हैं चीन पे बिल्कुल मुस्तलिफ है इंडिया उनका स्ट्रेटिजिकला है हमारा दुश्मन है हाँ। अफगानिस्तान एक अमरीका का प्रोटेक्ट्रेट बना हुआ है चीन जो है हमारा दोस्त है उनका एक पोटेंशल एडवर्सरी है तो देखिए बात कहने की बात यह है कि नेशनल इंटरेस्ट हमारे मुख्तलिफ हो गए अब हमें ये सोचना चाहिए भाई अगर इसलिए मुख्तलिफ हो गए हैं तो ये रिलेशनशिप जो हमारा है ये बड़ा शैलो रिलेशनशिप है ये मकसद बेस्ड रिलेशनशिप है ये पेट्रंट क्लाइंट रिलेशनशिप हो गया है वो हमें कुछ एरन देते हैं और पैसे देते हैं और कहते हैं जाओ करो मैं समझता हूँ हमें तरीके से इज्जत से इस रिलेशनशिप से निकलना चाहिए क्यों इसलिए अमरीकनों की आदत है कि जब आपकी इज्जत पे वो कुचलते हैं ना वो समझते हैं कि उनकी इज्जत बढ़ती है वो समझते हैं कि दोस्त भी बेशक आप हो लेकिन हिलाली तो 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 तालुकात दे खत्म करके आइसोलेट होकर तो नहीं रहा जा सकता नहीं आइसोलेट तो हां अब आपने बड़ी अच्छी बात की ये जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है ना ये बड़ा ये बड़ा की लफ्ज है देखिए आइसोलेशन इज जो मूडी कर रहा है तीन स्टेप्स मूडी के एक स्टेप में कामयाब हो गया है पाकिस्तान को उसने आइसोलेट किया है दोस्तों से और अपने एलाइज़ से भी और सक्सेसफुली किया अब दूसरा स्टेप आने वाला है वो स्टेप ये होगा कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आप देखेंगे विद इन मंथ और टू कैसे वो फॉल्स फ्लैग जैसे वो गंगा का था जैसे वो गल्फ ऑफ टोंकिन ने अमेरिकनों ने किया था जैसे इराक में बुश ने किया था या पठानकोट मैं समझता हूं एक फॉल्स फ्लैग है जो इंडियोस्तान करेगा और उसका तीसरा स्टेप आएगा अमरीका उठेगा और उठ के कहेगा कि हां हां देखिए ये बहुत बुरी बात है इधर से दहशत गर्दी आती है तो क्या होना चाहिए मेरा मुझे डर फिक्र यह है कि सेंक्शन हमारे पे लग सकते हैं तो देखिए हिंदुस्तान का खेल ये है अब देखिए आप कहेंगे नहीं नहीं दिस इज ऑल वाइड ऑफ द मार्क थोड़ा सा सोचिए पहली चीज मोदी ने क्या किया जब अमेरिका पहुंचा किधर गया ही वेंट टू नेशनल आलिंगटन सेमेट्री अरे यार खुदा के लिए तुम एक कब्रिस्तान में जिधर अमेरिकन सोल्जर्स आर बेरिड है उधर क्या कर रहे हो तुम सही बताने के लिए कि हम किस किस्म की रिलेशनशिप प्रायोरिटी देना चाहते हैं दूसरा स्टेटमेंट कहता है जितने हम एक्सरसाइजेस करते हैं अपने तकरीर में जितने हम एक्सरसाइजेस करते हैं अमेरिका के साथ कोई और मुल्क नहीं करता मिलिट्री एक्सरसाइजेस इंडिया के साथ देखिए तो सही सही ठीक है हमें पता है कि इंडिया क्या आ, क्या अमेरिका उनसे हासिल कर रहा है मुझे क्वेश्चन मैं इसलिए यह कहना चाहता हूं कि हमारे लोगों को अब सोचना चाहिए कि यह जो अमेरिकन फ्रेंडशिप है और मूडी और इनका कनेक्ट है खासतर ओबामा से यह बड़ा डेंजरस है और शायद

क्यों नहीं आप लोग प्रेशर डालते हैं हैं हमारे नहीं नहीं जो गवर्नमेंट के कमेंट करना चाहूंगा पाकिस्तान को किसी भी हालत में कभी भी इंडिया की इस आइसोलेशन पाकिस्तान को आइसोलेशन में लेके जाने की मूव को कॉम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए अमेरिका से ताल्लुकात के मुत सोच के कि आज हम ये सोचना चाहिए कि क्या अमरीका के साथ तल्लक़ हमने इस लेवल के रखने भी हैं कि नहीं रखने क्यों ना रखें हम उनके साथ ये ताल्लक़ अमरीका को बावर ज़रूर कराया जा सकता है ज़रूर उसकी उसकी तरफ से और ये ड्रोन अटैक्स जनाब वाला ये आज से दो साल पहले तीन साल पहले साल में डेढ़ डेढ़ -डे सौ होते थे जो आप तीन हो रहे हैं मैं नहीं कह रहा कि एक ड्रोन अटैक भी सही बात है हमारी सोवेनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा एक ये धब्बा आया है और हमें इसको प्रोटेस्ट करना चाहिए और करते रहना चाहिए दूसरी मैं आपको बात करूं कि आपने जब एन की बात से आगाज किया एन के अंदर जब उन्नीस के अंदर इंडिया ने ये न्यूक्लियर टेस्ट किए थे उस वक़्त ये लंडन सप्लाई ग्रुप के तहत ये एक जी हुआ था एन के अंदर हमारा ये इशू है के जो जी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जा रही है इंडिया को अमेरिका की जो हिपोक्रेसी और जो मुनाफ्त की पॉलिसी इस वक्त है उसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान आई के अंदर रिसर्च करके उनको बनाने की कोशिश कर रहा है किस चीज़ के लिए कर रहा है हिंदुस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से कहीं ज्यादा खतरनाक है पाकिस्तान तो अपनी सिर्फ जी डिटेरेंस के लिए रहा है ना हिंदुस्तान तो इस वक्त ICBM का प्रोग्राम करना और अमेरिका का उसको हेल्प करना उसकी डिफेंस शील्ड और डिफेंस का जो एक पूरा जी मैकेनिज्म है उसके अंदर अमेरिका का उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग होना और स्पेस एडेड डिफेंस एक डोम हिंदुस्तान को शील्ड करने के लिए जी बनवाना बात तो ये ये नहीं है, नहीं आप है, तो क्या, क्या है? कर रहे हैं जी जी आपको बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ हमारी जो लॉबिंग जो उस जिसके ऑप्टिक्स आप हिंदुस्तान की तरफ से देख रहे हैं उसके मुकाबले में हमारी लॉबिंग वाकई बहुत कम है लेकिन हमारे पास और ये सिर्फ चीन की बात नहीं है आपके एन ग्रुप के अंदर कंप्लीट यूनानिमिटी की वजह से किसी ग्रुप किसी एक और मेंबर स्टेट को आने दिया जाएगा या नहीं आने दिया जाएगा और उस एन के अंदर बहुत सारे ममालिक हैं ऑस्ट्रिया है जी न्यूजीलैंड है मैक्सिको है जहाँ शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी जाने की कोशिश करें उनको कन्विंस करने के लिए और चीन सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पाकिस्तान का इंटरेस्ट है चीन इसलिए बेकार रहा है बिकॉज चीन बेसिक जो जी प्रिंसिपल्स हैं जिसकी वजह से एनएसजी के अंदर किसी को आने या नहीं आने दिया जा सकता

बहुत ही प्रिंसिपल स्टेट्स हैं जो किसी किस्म की इस न्यूक्लियर सप्लाइज ग्रुप के अंदर एक्सेस टू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने वाले एक और मुल्क की एडिशन नहीं चाहेंगे जब तक वो अपने मुकम्मल क्राइटेरिया को पूरा ना करें अगर पाकिस्ता... और पाकिस्तान और पाकिस्तान का मैं एक और केस बताऊं पाकिस्तान ने जो एन के अंदर एप्लीकेशन दी है हमारे जो जी क्रीडेंशियल्स हैं वो इंडिया से कहीं बेहतर हैं इस वक्त इंडिया की पाकिस्तान का नेशनल कमांड जो अथॉरिटी है वो वो बल्कि उसको बहुत सारे ममालिक ने कॉपी किया है इनका तो स्ट्रक्चर बहुत सारे ममालिक के अंदर जो एन के भी ममालिक हैं

इंडिया के साथ उनके मामला ठीक हो सकते हैं अभी चाइना इंडिया का वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है, 75 है। वो हंड्रेड okay. ट्वेंटी को भी, भी तस्वीर है तो पाक चाइना exactly, exactly. कह रहा हूं कि जो हलाली साहब फरमा रहे हैं वो ठीक है कि अमरीका एक ठीक उनकी इंडिया के साथ एक पार्टनरशिप है वो इंडिया के साथ एक ग्लोबल पार्टनरशिप में जा रहे हैं लेकिन हमने में में ये रखना है कि देखें आज अगर वो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो कल को एक दो साल के बाद वो उन्होंने कमिटमेंट को इंडियंस को दी हुई है कि हम आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट में भी हम आपकी मदद करेंगे तो द पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू मेक इज कि देखें अमेरिका के साथ जो हमारा जो पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप है ना वो अप्स एंड डाउन वाला है इस वक्त हम बिल्क, इस बिल्कुल इस वक्त आप बिल्कुल हमारे कोई ज्यादा कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि वो भी चाहते हैं अफगानिस्तान में अमन हो हम, हम भी चाहते हैं।, हैं हो लेकिन जिसकी हम बात नहीं कर सोच ही नहीं सकते वो इस चीज को कबूल करने को तैयार नहीं है कि गवादर में आके चाइनीज और चाइनीज आएंगे उनका ऑपरेशन कंट्रोल होगा गवादर पे सी पैक है जिसकी वजह से सारे हो मैं, मैं मैं ब्रेक मैं ब्रेक के बाद सीधा आपके पास छोटा सा ब्रेक लेने वापस आते ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदे अवैसला गारी सब आप कुछ कहना चाह रहे थे जी आपकी बड़ी मेहरबानी मैं एक और चीज़ जो आपने पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर जी लॉबिंग की बात की ज़रूर लॉबिस्ट होंगे लेकिन बदकस्मती से पाकिस्तान को अपने पास्ट के अंदर फ्यूजन और जी ट्रेटरशिप के ज़रिए जो स्टेप्स उठाए गए उसका एक्सेस बैगेज भी आज उठाना पड़ता है आपको मालूम होगा कि सन दो के अंदर जब पाकिस्तान के पास अपरचुनिटी थी चाइना और, और दोस्त ममालिक लॉबी करने की उस वक़्त हमने लॉबी नहीं किया और इंडिया को एन एस जी के अंदर एग्जाम्पन्स मिल के एन एस जी के स्टेट का तकरीबन रुतबा हासिल हुआ और उसको एग्ज़म्पशन मिली जिसके एक महीने के बाद कांग्रेस ने यू एस की कांग्रेस ने सिविल न्यूक्लियर माहा करने का भी तय किया उसके अलावा एक और बहुत बड़ा इवेंट हुआ हमारी हिस्ट्री के अंदर और वो इवेंट ये हुआ कि हुसैन हकानी साहब ने अम्बेसडर शहबाज जो हमारे थे उन्होंने जब आईएईए के अंदर कंप्लेंट की थी इंडिया के जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या वो जो एक कंप्लाइंस एग्रीमेंट होती है और जो सेफगार्ड्स होते हैं उसके उसको नहीं साइन करा था और उन्होंने कंप्लेंट किया था कि आप इसको क्यों करें तो हुसैन हकानी की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर उस बेचारे سفیر ने वो एप्लीकेशन वापस उठाई थी जिसकी वजह से हिंदुस्तान को बहुत बड़े एडवांटेजेस मिले थे तो बदकिस्मती से कैसे पाकिस्तान के अंदर माजी में इस किस्म की चीजें हुई हैं जो आज तक पाकिस्तान को हॉन्ट है लेकिन जो आज होने वाली नाकामी वो आप लोग अब... भी उसको एक्सेप्ट करेंकामी

प्राइड भूल जाए वो आपकी डिग्निटी पे बार बार असोल्ट करेंगे या तो वो भूल जाए और दोस्ती रखें इसलिए आप समझते हैं आपके मुफाद में है या आस्ते से इन अ डिग्निफाइड वे निकले इस दोस्ती से बिकॉज यू कैन नॉट पे द कॉस्ट बहुत हो गया है दूसरी बात क्या अमेरिका का इंटरेस्ट है पाकिस्तान में अभी मैं आपको बताता हूं तीन इंटरेस्ट है एक वो चाहते हैं कि आपके न्यूक्लियर वेपन सेफ रहे और एज दे ट्राई टू कीप इट सेफ माने जैसे वो से वो उनको पता चले किधर है और कितने हैं इसलिए कि अगर जरूरत पड़े वो उनको पकड़ लेंगे इमोबलाइज कर देंगे दूसरी बात वो चाहते हैं कि जो भी सिविलियन गवर्नमेंट हो उसको वो कायम रखें जितने भी पैसे उनको खिलाने पड़ते हैं खिलाएं मगर कायम रखें वो नहीं चाहते हैं फौज आए वो नहीं चाहते कि वो डरते हैं कि शायद एक्स्ट्रीमस्ट आ जाए और तीसरी बात है कीप अप प्रेशर आप उनके दुश्मनों जो आपके मुल्क में शायद हैं मीनिंग कीप अटैकिंग ड्रोन्स देखिए प्लीज अंडरस्टैंड वो इंडिया को क्या क्या दे रहे हैं 25 बॉम्ब बनाने के लिए मटेरियल दे रहे हैं हर साल वो इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नेशनल सप्लायर्स ग्रुप मिसाइल टेक्नोलॉजी कौन सी किस चीज में है मेरे को तो नहीं मदद कर रहे झूठे मोदी को वो झूठे मोदी को उन्होंने स्टैंडिंग दिया जब उसने गांधी को देखिए मुझे बात तो करने जी दे जी, जी।, जी, जी। देखिए बात असल है ये झूठ झूठा मोदी जब उनके सामने आया और कहा ऐसे ऐसे चीजें के इंक्यूबेटर ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान है स्टैंडिंग ओवेशन भाई स्टैंडिंग ओवेशन तुम एक मुल्क को दे रहे हो जो तुम्हारा हैज बीन विद यू इन द थिक एंड थिन फॉर सो लॉन्ग उसके खिलाफ आप उनको स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं और एक टेररिस्ट मोदी को जिसने आपने बैन किया है वो, उसको एड्रेस करने का मौका दे रहे हैं कांग्रेस को और उसको पता नहीं बीस स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं खुदा के लिए ये मोदी जो कहता है कि हमारे जो सोल्जर्स हैं मारे गए हैं और आर्लिंगटन में तुम्हारे साथ फॉर द सेम रीजन क्या वर्ल्ड वॉर वन के सोल्जर्स को पूछा गया था कि आप जाके गोरों के लिए लड़ेंगे और ब्रिटिश एम्पायर के लिए आप अपना जान देंगे क्या अगर उनको पूछते वो जाके लड़ते इसलिए कि गोरा आके 200 साल और आपके ऊपर हुकूमत करे नो आई एम सॉरी ये जो अमेरिकन हैं प्लीज अंडरस्टैंड देम मैं नहीं करता उनसे लड़ लो मैं नहीं कहता उनसे दुश्मनी करो मगर उनके ग्राफ से निकले और खुद खड़े रहें और एक एग्जाम्पल है ईरान

आप जो मौलवी फजल्ला जो है जो सऊदी अफगानिस्तान में उनकी बेसिस है उनकी सेंचुरी भाई उनके ऊपर आप ड्रोन अटैक क्यों नहीं करते उनको आप टेकआउट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब तक वो वो, वो लोग कायम रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लोग जो इन्फिल्ट्रेट करके आते रहेंगे फाटा में के पी पे में और यहाँ पे हमले करते रहेंगे तो लिहाजा मेरा ख्याल आज पहली मरतबा आज हमने भी उनको कह दिया है कि भाई आपकी भी जिम्मेदारी है यू ऑल्सो नीड टू डू मोर ठीक है ना वो हमें कहते हैं ना अकानी आपके यहाँ से जाते हैं और अफगान तालिबान वगैरह हम कह रहे हैं आप जो पाकिस्तानी तालिबान है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? एक तो यह बात दूसरा मैं हिलाली साहब यह कहूंगा कि देखें हम उनके साथ आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं बिल्कुल इस तरह ही होना चाहिए लेकिन और क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा ये है अमेरिकन सिस्टम को देख के कि अगर आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें तो वो बैक ऑफ करते हैं वो, वो समझ जाते हैं कि भाई ये लोग जो हैं हम हम इनकी बात सुननी चाहिए लेकिन बात घूम फिर के उधर ही आ जाती है अगर आपकी पोलिटिकल लीडरशिप में डाइनमिजम नहीं है आपकी पोलिटिकल लीडरशिप में विजन नहीं है आपकी लीडरशिप में वो जान नहीं है क्योंकि वो खुद कोई ट हुआ है जिसमें अमरीका इंडिया को एफ सिक्सटीन और एफ एटीन बनाने के लिए मदद फराम करेगा हंड्रेड एयरक्राफ्ट के लिए और बदले में अमरीका इंडिया के फौजी अड्डे इस्तेमाल करेगा तो अब क्या हम ये समझे की अब यह मुमकिन हो गया है ईस्टर्न बॉर्डर से अमृतसर है है, यहाँ से भी अब पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक्स होंगे नहीं जी पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक्स ईस्टर्न बॉर्डर से होने का सवाल ही नहीं पैदा होता लेकिन मैं एक और चीज के ऊपर आपकी उनको स्टैंडिंग ओवेशन मोदी को पाकिस्तान के खिलाफ बात करने की इसलिए मिलती है क्योंकि अमेरिका का कांग्रेसमैन और सेनेटर अपनी आवाम के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि पंद्रह साल उनके टैक्स पेयर का अरबों और खरबों डॉलर खर्च करने के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर तमाम वेस्टर्न फोर्सेस ने मिल के आज तक पीस नहीं लेके आए अफगानिस्तान के अंदर अपनी सारी जो उनकी नाकामियां हैं वो अफ़ग़ानिस्तान भी पाकिस्तान के ऊपर थोपता है हमारे आपके ख्याल में ज़रब अज़ब क्यों कामयाब हुआ है इंडिया के एजेंट पाकिस्तान के अंदर काम नहीं करे का वहाँ से टी टी पी पाकिस्तान के अंदर काम नहीं कर का रही हमने अपने मुल्क को संभालना सीखा है और संभाला है वही अफगानिस्तान क्यों नहीं करता अपने मुल्क के अंदर उनकी ये स्टैंडिंग ओवेशंस अपनी कोताहीियों को छुपाने की भी वजह है लेकिन मैं आपको बात दोबारा ये री एटरेट करूँगा हमें अपने इंटरेस्ट को मेंटेन और अपनी सवेरानिटी को मेंटेन और अपनी इंटेग्रिटी को और अपनी जो इज्जत है उसको मेंटेन करते हुए हर मुल्क के साथ और आपके ख्याल में हम आप की की के चुंगल से किस तरह आहिस्ता आहिस्ता निकल न, नहीं निकल रहे हाँ। ये हमारा विजन नहीं है कि हमने सी पैक के साथ दस्तखत किए और सी पैक को काबिल अमल किया और सी पैक की इन्वेस्टमेंट करें आपके ख्याल में इसकी वजह से हमारी यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर और और बाकी सारी दुनिया के ऊपर डिपेंडेंस कम नहीं हो रही क्या ये हमें अपनी सोवेरिटी के लिए और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए अच्छा प्रोग्राम नहीं है तो हो रहा है लेकिन मैं दोबारा रिटेरेट करूंगा इस पॉइंट को हमारी फॉरेन ऑफिस को कोल्ड वॉर इरा में से निकल के 21वीं सदी की पॉलिसीज़ के तहत और स्ट्रेटजीज के तहत हिंदुस्तान की तरह प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए जो हमने कुछ पिछले सालों में नहीं किया चलें उम्मीद करते हैं बहुत शुक्रिया है वैसला जब एक ब्रेक लेनी है छोटे सी ब्रेक के बाद हमारे साथ के बाद खुशा तो ब्रिगेडियर साहब इसम्बली में ख्वाजा आसिफ ने जो श्री मजाही साहबा के लिए अल्फाज इस इस्तेमाल किए एक तरफ ख्वाजा आसिफ का अहदा देखे उनका स्टेटस देखे और दूसरी तरफ उनकी लैंग्वेज देखे आपको याद है ना खान साहब भी इसम्बली इस में एक के बाद आए तो कहा शर्म करो हया करो एक दफ़ा इन्होंने किसी को वहाँ पर एक भी कहा मैं नाम नहीं लेना चाहती किसको कहा ये जेब देते हैं हमारे लीडरान को देखिए पहली बात तो ये कि ख्वाज साहब जो है जहाँ पे उनको ज्यादा बोलना चाहिए हमारे मोहतरम पार्ट टाइम डिफेंस मिनिस्टर है अच्छा, तो उनको एडिशनल पोर्टफोलियो मिले हुए उनको जहाँ उनको बोलना चाहिए वहाँ पे वो बोलते नहीं हैं पठानकोट का केस हो गया ड्रोन वाला केस हो गया उसके बाद ये रॉ वाला जो नेटवर्क वाला केस है उधर वो बोलते नहीं हैं लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आके इस तरह की जो जो गुफ्तु की है हूँ नॉन सीरियस किस्म की बजट सेशन के अंदर हो रहा है भाई आप कोई कंस्ट्रक्टिव बातचीत होनी चाहिए तो मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब का मसला यह है

के बारे में इनकी जो एक हमने वीडियो देखे पार्लियामेंट में कैसे कैसे इन्होंने तकरीरें वहां पे की हैं मुझे समझ नहीं आती कि के इस केस में आए वो फीलिंग कि शायद इन्होंने ये प्लान करके ये बाय डिजाइन था कि देखें ये इशू ढूंढते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की जो बीमारी है उस पर कितनी पूरे मुल्क में कितना कंसर्न है अजीब अजीब किस्म की स्टेटमेंट आ रही हैं किसी को नहीं पता एक्चुअली हो क्या रहा है देखें ना एक पूरा मुहिमा बना हुआ है तो लिहाजा वो भी मीडिया के अंदर मामला है टी का मामला है तो कोई ना कोई इशू तो उन्होंने सामने लेके आना है जिसकी वजह से लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो एक ये भी वजह अच्छा हो सकती अच्छा है ये तो मैं कहता हूँ लेकिन खासकर खुतन के बारे में मैं समझता हूँ को पार्लियामेंट्री एथिक्स होती है अब आप मुझे ये बताएं कि जब श्री मजारी साहब ने वही इनके अल्फाज वो शर्मा हरिया वाले इन पे कर दिए और पी टी आई के लीडर ने कहा किसी ने पच्चीस जूते कहा किसी ने सौ जूते कहा आप मुझे बताएं कि क्या इज्जत रह इजातिया और मैं फिर भी हैरान कि Minister जब उन्होंने जब मोहतरम ख्वाज आसद साहब ने जब वो पॉलिसी वाला लेटर दिया टू द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली भाई आप पे इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि आप नाम लें खातून जो है एक रिस्पेक्टेड खातून एम एन ए उनकी आपने बेजती की उनको ये गलत किस्म का नाम उनके लिए आपने इस्तेमाल किया तो आप जब माफी मांगे पॉलिजाइज करें तो फिर दिल से माफी मांगे तो मेरा ख्याल है कि ये

अगर मैं उनकी जगह होता या उनकी जगह कोई और होता तो वो क्या करना चाहिए था उनको ख्वाजा साहब की स्पीच को फौरन रोकते और वो कहते कि आपको इस सेशन के लिए मैं कर रहा हूं, इस, और रोल उस तरह नहीं आया न्यूट्रल रोल जो कि हम समझते होना चाहिए मैं तो हर वक्त समझता हूं कि इस मुल्क में अगर एक औरत है तो वो बहुत बड़ा गुना है कि एक औरत है औरत जो होते हैं उनको इंसल्ट किया जाता है उनको ग्रोप किया जाता है उनसे मजाक किया जाता है उनसे क्या क्या नहीं किया जाता है जी मुझे मुझे याद है कि बेनज़ीर भुट्टो ने एक दफ़े मुझे कहा मैंने उनसे पूछा कि मैं ये बारह या पंद्रह लोगों का ये जो घेरते हैं आपको ये पब्लिक मीटिंग्स में ये क्या वजह है तो वो मुझे सीधा देख के कहती है तुम्हारे ख्याल में वो क्या वजह है तो मैंने कहा कि नहीं प्राइम मिनिस्टर मैं तो सोचता था कि कुछ लोगों कोई औरतों को तो वो लोग जो हैं उन पे कोई इज्जत करेंगे और नज़दीक नहीं आएंगे और ग्रोप नहीं करेंगे शी सर यू आर रॉन्ग इसलिए बहुत ज़रूरत है इन लोगों को पकड़ना चाहिए उधर ही इनको बेत लगाना चाहिए उधर ही इन इनको सज़ा मिलना चाहिए नहीं तो मेरे ख्याल में और पार्लियामेंट में ये जो हुआ ये सूट वूट पहन के जो जाते हैं ख्वाजा साहब महंगे सूट पहन के मगर दिमाग तो स्टिल अ इट्स अ लेसर ब्रीड जब तक वो किसी को इंसल्ट नहीं कर सकते जब तक वो किसी को बुरा भला नहीं कर सकते ख़ास तौर नजर लगता है कि वो डिबेट में वो हिस्सा नहीं ले सकते वेरी सैड वेरी सैड उन्होंने अपोलोजाइज करना था और दस दफे अपोलोजाइज कर लेकिन साहब ऐसे करना काफ़ी था नहीं मैं बातों को अपोलोजाइज करना चाहिए था इन राइटिंग किया और, और अगर उनकी जगह कोई और होता है तो उनको जाना चाहिए था अपना श्री मदारी के सामने डस पे, उनसे जाके पे अपोलोजाइज करते ताकि मामला दफा हो जाता लेकिन साहब जो इंसान जिस आदमी ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करता है वो ऐसी चीजें नहीं कर सकता है लेकिन हजारी साहब अगर आपको याद हो कि बेनज़ीर भुट्टो साहब के दौर में वो मैं तो वो अल्फाज वो रिपीट नहीं करना चाहता हूँ जो शेख रशीद साहब ने मुझे आज भी याद है पार्लियामेंट उनके लिए इस्तेमाल किए थे उस पर भी बड़ा शोर मचा था तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मेल पार्लियामेंटेरियंस हैं इनको थोड़ा सा मेरा ख्याल है कौन सिखाएगा इनको पार्लियामेंट्री एथिक्स पार्लियामेंट्री डिसेंसी पार्लियामेंट्री नॉर्म रिस्पेक्ट फॉर वेमेन कौन सिखाएगा इनको उनको तो फिर फिर भी आपको एक है ना? तो वो एक बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मगर इनको क्या और पूरी आवाम को सिखाएं दिन रात औरतों को मारते हैं जलाते हैं hmm. बीट करते हैं ये समझते हैं I mean, what ये बात is मैं this कह रही थी कि पहले के खिलाफ इतना हमारी सोसाइटी में जुल्म हो रहा है सजा नहीं मिलता है सही इतना पहले जुल्म हो रहा है तो ऐसी सोसाइटी में मैसेज किया जाएगा पहले ही हमारी औरतों के खिलाफ इतना जुल्म दिया जाता है, किसी को के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है तो और आप बात करते हैं कि जाके जा करना चाहिए वो करना चाहिए आधा दुनिया औरतों का है भाई आधा दुनिया और आधा दुनिया जब ये बातें सुनती है आपके बारे में हाफ ऑफ देम आर अगेंस्ट यू Hmm. तो देखिए बिकम्स वेरी डिफिकल्ट ये काफी नहीं है कि सब सब लोग सब चीज पाकिस्तान के बारे में भूल जाएं जैसे आप जाएंगे बोलने के लिए पोलोजी उठ के कहेगी एंड हाउ मेनी पीपल हैव यू बर्न टुडे और hmm. कितना एसिड फेंके गया है तुम्हारे पर देखिए तो सही

ये हो गया है अनफॉर्चुनेटली ये हो गया है ये आपका तोहफा है हमारे इस जेनरेशन को किसकी जानिब से पॉलिटिशियंस और और जियाउल हक सबसे बड़ा तो जियाउल हक का तोहफा है ये नहीं वो तो लाभि साहब सही है लेकिन ये जो फ्यूडल माइंडसेट है ये जो एक एक खास पावर वाला माइंडसेट है कि जी हम सुपीरियर हैं हमने पाकिस्तान में खातन को अपना प्रेशर में रखना है हम जब भी चाहें अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कि एक किसी मीडिया ग्रुप में कोई ऐसा मसला हुआ है टॉक शो के दौरान जो खतान है कई मरतबा पहले भी केसेज हुए हैं कि उनको गलत लैंग्वेज जो इस्तेमाल की जाती है तो यह मामला कंट्रोल तो होना चाहिए ना देर हैजू बी सम कंट्रोल और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए एक आर्मी चीफ असलम असलम बेग आपका एक सलूट नहीं करता था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अपना बेरे उतार देता था कि उसको सलूट ना करना पड़े यह आप क्या समझते हैं नहीं वो आपकी बात सही है वो, दिल्ला, वो, दिल्ला। वो, दिल्ला। सब क्या क्या ये ये मामला मामला जुड़ा है आपके एक तालीम से

आप शहादत तो लेते हैं औरत से आप उसको फौज में आने देते हैं उनको पायलट बनने देते हैं बड़ी अच्छी बात है वो अपने जान देते हैं आपके मुल्क के लिए मगर आप उनको उन उनके साथ और औरत के साथ आप इज्जत से लोगों को आ, नहीं आ, त्रीक आ, त्रीक नहीं, कर नहीं करते, हैं। नहीं करते हैं। उनसे बात करें ठीक है ये क्या काउंसिल क्या काउंसिल बनाया है ठीक है बहुत शुक्रिया इन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है नाइट एडिशन से शाजा झीशान को इजाजत दीजिए आपसे मुलाकात होगी कल अल्लाह हाफ़िज